हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक इन्वेस्टमेंट के लिए वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें जो कि एक छोटी सी स्मॉल कैप की कंपनी है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को ट्रेडिंग के साथ साथ एक छोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ स्टॉक का आपके मल्टीबैगर भी हो जाते हैं, जैसे इसीलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि आप जो आपकी जो भी कैपिटल है, जो आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उसमें से जो प्रॉफिट होता है वो कुछ छोटे छोटे कंपनियों में इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे कि 5 साल, 6 साल और 10 साल तक के लिए, तो कुछ स्टॉक अगर आपने मान लीजिए कि 10 स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट किया 2,000 रुपये का, ठीक है, तो उसमें से अगर 8 कंपनियां आपकी डूब जाती हैं, मान लीजिए ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए कि अगर उसमें से 8 कंपनियां भी डूब जाती हैं और 2 कंपनियों ने आपको 1,000 या 2,000% की रिटर्न अगर दे दिए, तो ये सारा लॉस भी आपका कवर हो जाएगा, प्लस उसके बाद आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे रहेंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो कि हमारे प्रॉफिट के पैसे आते हैं उनसे आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। अगर 5 साल 10 साल के लिए छोटे छोटे स्टॉक जैसे जिनकी संभावनाएँ होती हैं मल्टीबैगर होने के लिए, तो ऐसे स्टॉक अगर आपको मिल गए कभी, तो काफ़ी अच्छा खासा आप पैसा बना पाएंगे स्टॉक मार्केट से। जैसे कि कुछ मल्टीबैगर स्टॉक के नाम आपको बता दूं कि देखिए, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक 1 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, अभी देखिए 1700 पर ट्रेड कर रहा है। JSW स्टील 1 रुपये 2 रुपये पर ट्रेड कर रही थी और वो भी अभी 300-400 का प्राइस टच करके आया। टाइटन 1-2 रुपये का स्टॉक चल रहा था, वो देखिए 1200-1300 का हो गया। टाइम लगा इनको, ठीक है, तो वैसे ही आपको भी टाइम लगेगा स्टॉक मार्केट पैसा बनाने में, लेकिन आपकी कैपिटल का एक छोटा सा भाग आप इन्वेस्टमेंट भी डालिए। और स्विंग ट्रेड जो करते हैं, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करते हैं, जैसा कि मैं स्टॉक लेकर आता हूँ, आप वहाँ पर वो काम भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को स्टॉक का नाम बता दूँ, और इस कंपनी को शायद सभी लोग जानते होंगे, जो कि दिखा देता हूँ आप लोग को। अब देखिए, काफ़ी लोगों ने इस स्टॉक को पकड़ लिया है, जब जैसे ही आइनॉक्स लेज़र लिमिटेड, जैसा कि मैं आपको बता दूं इसके बिजनेस क्या हैं, इसके मूवी थिएटर्स हैं, ठीक है, काफ़ी सारे, जैसे कि PVR है, PVR भी एक देखिए मल्टीबैगर स्टॉक बन गया है, 1600-1700 का प्राइस उसका चल रहा है। ऐसे ही देखिए, उसी से रिलेटेड ये, जैसे PVR में थिएटर होते हैं, PVR के थिएटर हर सिटी में होते हैं, वैसे ही आइनॉक्स के भी थिएटर हर सिटी में होते हैं, तो उसी से रिलेटेड है मूवीज से। और आपको पता है कि मूवीज़ तो रिलीज़ होनी ही है और नए नए थिएटर तो बन ही रहे हैं, मूवी रिलीज़ होनी है, मूवी लगने वाली है थिएटर में, तो इनका प्रॉफिट तो कंटिन्यू बढ़ता ही रहता है। तो ये स्टॉक मैं लेकर आया हूँ जो कि स्मॉल कैप का है, 3381 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है आज के डेट में, 1 अक्टूबर 2019, ठीक है। तो इस कंपनी के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि ये कंपनी कैसी है, क्या करती है, इसके रिटर्न क्या हैं। तो इसका प्राइस देखिए 333.90 रुपये पर आज इसकी क्लोजिंग हुई है, और इसका हम देखते हैं अगर 52 वीक हाई, तो यहाँ पर 383 रुपये का दिखा रहा है, और 52 वीक लो है 187 रुपये का, ठीक है। और यहाँ पर सेलिंग क्वांटिटी देखिए कुछ भी नहीं है, और 761 क्वांटिटी बाई के लिए यहाँ पर खड़े हैं लोग, कोई भी इसे अभी बेचना नहीं चाहता इस स्टॉक को। और डिलीवरी परसेंटेज अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए 52% की यहाँ पर डिलीवरी चल रही है, मतलब कि 100 शेयर खरीदे जा रहे हैं, उसमें से 52 शेयर डिलीवरी के लिए रख लिए जा रहे हैं। तो मैं आप लोग को भी बोलता हूँ कि अपनी कैपिटल का एक छोटा सा अमाउंट आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कंपनी के इन्फॉर्मेशन में अगर हम लोग यहाँ पर देखना चाहें, तो देखते हैं हम इसका फाइनेंशियल रिज़ल्ट अगर हम लोग इसका यहाँ पर देखते हैं, तो 31 मार्च 2019 में इसका टोटल इनकम था 47,884, और जून 30 2019 में इसका जो टोटल इनकम हो गया 49,301, ये अमाउंट लाख में है, यहाँ नीचे देखिए वैल्यू इन रुपीज़ लाख। और नेट प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम लोग इसका देखते हैं, तो 31 मार्च 2019 को इसका प्रॉफिट हुआ था 4,807 का, और 30 जून 2019 में इनको थोड़ा सा एक छोटा सा लॉस हुआ था, तो वहाँ पर इनका प्रॉफिट था 2,699। तो देखिए यहाँ पर टोटल इनकम तो बढ़ी है, लेकिन इनके खर्चे बढ़ गए हैं, इसलिए इनको प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है एक क्वार्टर के रिजल्ट में। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, तो प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप की शेयर होल्डिंग जो है वो 51.89% की है, 51.89% शेयर इसके
प्रमोटर के पास है, कि हमेशा मैं आप लोग को बताता हूँ कि प्रमोटर होल्डिंग जितनी ज़्यादा रहेगी अच्छा है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी कंपनी ग्रो करेगी, इसलिए वो शेयर को अपने पास रखते हैं। और पब्लिक की यहाँ पर देखिए होल्डिंग है 47.86% की पब्लिक होल्डिंग है इस शेयर में, ठीक है। अब शायद सभी लोग जान गए होंगे इस स्टॉक के बारे में, इसका थिएटर का काम है, हर सिटी में इसका 1-2-4 थिएटर होता ही है आइनॉक्स का, आप लोग पता कर लेना अपने सिटी में। और एक बात जो मैं हमेशा आप लोग को दिखाता हूँ कि इसके जो शेयर हैं वो गिरवी रखे गए हैं या नहीं रखे गए हैं, हम उसको यहाँ पर चेक करते हैं प्रमोटर प्लेज डिटेल। तो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग के पास हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए सी वाले कॉलम में 00 है, मतलब कि कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखे गए हैं किसी के पास। वो अपने शेयर गिरवी रख के जैसे पैसे उठाते हैं तो ऐसा काम नहीं किया गया है, जितने भी शेयर हैं प्रमोटर होल्डिंग के पास वो उनके पास होल्ड पड़े हैं शेयर, ठीक है दोस्तों। तो मैं चलिए अब इसको चार्ट पर लेके चलता हूँ, अगर आप लोग को इन्वेस्टमेंट करना है तो किस प्राइस पे आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस शेयर में। दोस्तों यहाँ पर मैंने आइनॉक्स लेजर का चार्ट खोला है और इसकी चाल देखिए यहाँ से कंटिन्यू अप डाउन करते करते आ रही थी, लेकिन यहाँ पर एक इसने ब्रेकआउट किया था और उसके बाद ये स्टॉक पहुँचा था यहाँ पर 383 रुपये के आसपास, फिर से ये स्टॉक नीचे आया देखिए 250 रुपये के आसपास, और ये फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ धीरे धीरे चढ़ रहा है। और नेक्स्ट टारगेट हमें लगता है कि यहाँ पर हमारा 350 रुपये के आसपास हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग इसमें आप लोग की होल्डिंग पड़ी है तो अभी यहाँ से एग्जिट करना किस वाले प्राइस पे, मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर 319 रुपये का जो प्राइस है, आप लोग इसके नीचे आए तो आप लोग एग्ज़िट कर देना, अगर शॉर्ट टर्म के लिए है आप लोग ने तो, अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है तो बिल्कुल इसमें बने रहिए। और नेक्स्ट जो फ्रेश बाइंग है उसके लिए मैं आपको लेवल बता दूँ तो 300 रुपये का लेवल यहाँ पर हमें निकल कर आ रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका। तो यहाँ पर अगर ये स्टॉक 10% यहाँ से करेक्शन आती है इसमें 10% की, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि 300 और 310 रुपये के बीच की प्राइस लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ दिखा दिया, मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी छूटा हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग दिखा दिया मैंने 52% की है, उसके बाद इसके शेयर गिरवी नहीं रखे गए हैं, इसके थिएटर सभी सिटी में हैं इंडिया के, शायद कोई ऐसी बड़ी सिटी नहीं होगी जहाँ पर इसके थिएटर्स नहीं हैं। और आपको पता है कि फ्यूचर में फिल्में ज़्यादा रिलीज़ होंगी, और फिल्में ज़्यादा रिलीज़ होंगी तो ज़्यादा इन्हीं के थिएटर में चलेंगी, सारे थिएटर्स हैं, लेकिन ये भी उनमें अच्छी क्वालिटी के थिएटर हैं इनके, आइनॉक्स PVR। तो इन लोग का बिजनेस अच्छा है, आगे फ्यूचर में भी आने वाला बिजनेस है इनका, और फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट जैसे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर काफ़ी प्रॉफिट गेन्स के चांसेस आगे काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप लोग इसमें छोटा सा अमाउंट चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और स्मॉल कैप की कंपनी है, मतलब कि इनका आगे बढ़ने का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनियों को आगे बढ़ने के रास्ते काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और जो बड़ी बन चुकी हैं कंपनियाँ उनमें प्रोग्रेस थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जो छोटी कंपनियाँ होती हैं स्मॉल कैप मिड कैप उनको आगे बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये छोटी कंपनी अभी 3000 करोड़ की मात्रा 3381 करोड़ की है, तो इसमें आगे बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं हमें। तो आप अपनी प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर अगर अमाउंट लगाकर भूल जाते हैं, या तो इसमें SIP भी छोटी छोटी क्वांटिटी से करते हैं, तो भी आपको आगे चलकर एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन एक बार मैं फिर से आपको बता दूँ कि ये मेरी रिसर्च है, मेरी राय है, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर लें ज़रूर, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपको इसके रिटर्न भी दिखा देता हूँ कि लॉन्ग टर्म में इसने हमें कितना रिटर्न दिया है, ताकि आप लोग को लगना चाहिए कि इसने इसका हिस्ट्री क्या है, इसने हमें रिटर्न दिया है कि नहीं पिछले 5 से 10 सालों में, तभी हम इसमें निवेश कर सकते हैं आगे चलकर। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आइनॉक्स लेजर लिमिटेड का चार्ट खोला है, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसके रिटर्न कितने दिए हैं इसने हमें लॉन्ग टाइम फ्रेम पे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि इसके रिटर्न 1 मंथ में 21% के हैं, और 1 ईयर में 48% के, जो कि काफ़ी शानदार रिटर्न है। एक साल में 50% का रिटर्न काफ़ी शानदार होता है। और देखिए वन वीक पे इसके रिटर्न है 2.48% के, और 2 वीक में इसके रिटर्न है 10% के, उसके बाद 1 मंथ के इसके रिटर्न है 21% के, जो कि मैंने थंबनेल में लिखा था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और 3 मंथ के रिटर्न है, कुछ भी नहीं रिटर्न दिया है इसने पिछले 3 महीने में। और 6 मंथ के रिटर्न भी, 6 मंथ में भी कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है इसने। ईयर टिल डेट मतलब 1 जनवरी 2019 से लेकर अब तक इसने 33% के रिटर्न दिए हैं पॉजिटिव। और 1 साल के रिटर्न देखिए 48% के यहाँ पर दिखा रहा है ना। सेंसेक्स ने 4.87% का रिटर्न दिया है, और इसने
48.82% के रिटर्न दिए हैं एक साल में, और पिछले 3 साल में इनके रिटर्न हैं 25% के, पिछले 5 साल में रिटर्न है इसका 91% के। मात्र 5 साल में आपके पैसे को इसने दोगुना कर दिया है, तो है ना कमाल का शेयर दोस्तों, आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और पिछले 10 साल के इसके रिटर्न है 419%, मतलब कि पिछले 10 साल में आपके पैसे को 1 लाख रुपये, 1 लाख वाले अमाउंट को इसने 4 लाख रुपये में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, स्टॉक भी काफ़ी पसंद आया होगा। एक बार मैं फिर से आपको बोल देता हूँ कि ये मेरी रिसर्च थी, ये मेरी राय थी। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा ज़रूर कर लें, उसके बाद ही कोई भी शेयर में अपना पैसा डालें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।